रहे प्राइम की न्यूज चैनल सच का साथ। इस वक्त की खबर चैनल पर मुजफ्फरनगर से आ रही है। साइबर सेल की टीम ने दिल्ली के गाजियाबाद के 3 ऐसे जलसरों को किया गिरफ्तार जो बंद पड़ी पॉलिसियों को चालू करवा अधिक मुनाफा दिलाने का आम जनता को आपको पता चले कि लालच देकर मोटा पैसा वसूलने का काम करते थे। देखिए भाई, मुजफ्फरनगर की साइबर सेल टीम ने दिल्ली के गाजीपुर से 3 ऐसे जालसाजों को गिरफ्तार किया जो बंद पड़ी पॉलिसियों को चालू कर अधिक मुनाफा दिलाने का आम जनता को लालच देकर उनसे मोटा पैसा वसूलने का फ्रॉड करते हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के निवासी अरुण कुमार ने थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ लोगों ने उनकी बंद पड़ी पॉलिसी को चालू कराकर अधिक मुनाफा दिलाए जाने का लालच दिया था। शाहपुर में अपराध संख्या 86/2020 पंजीकृत हुआ था। आईटीएट में मुकदमा था। वादी अरुण कुमार ने कहा था कि उसकी पॉलिसी बंद है, उनका लालच उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले, अपराधियों ने लालच दे करके उससे 15 लाख रुपये वसूला था। तो विजिटर ट्रांसफर हो गई थी क्राइम ब्रांच साइबर क्राइम को, और साइबर क्राइम के प्रभारी श्री संजीव भटनागर साहब थे, उनको व्यवस्था मिली। उन्होंने बहुत ही बुद्धिमत्ता से, बहुत ही वेग से व्यवस्था को किया और करते करते ये सही, इन्होंने दिल्ली से 3 लोग गिरफ्तार किया, गाजीपुर से 3 लोग गिरफ्तार किया। यह विकास है, धन्नू और चंद्र कुमार, इनके पास से दिल्ली करने वाले हैं, साइबर क्राइम करते हैं, इनकी जानकारी और भी कर रहे हैं हम कहाँ का अपराध किया है, और इनके पास से भारी मात्रा में नकदी भी, कंप्यूटर भी, प्रिंटर भी और सामान भी बरामद हुआ है। इस तरह अपना क्राइम करते हैं। हाँ, ये बात सही है। ये इसलिए कंपनी के कर्मचारी को लालच दे करके उनको पॉलिसी पता करते थे, तो उनको आदमी पॉलिसी है, किनकी बंद पॉलिसी है, तो उनको फ़ोन करते थे कि भाई तुम्हारी पॉलिसी बंद है तो आप अगर पैसे देंगे तो हम आपकी पॉलिसी चलाएंगे, उससे ज़्यादा पैसे मिलेगा। ये इस तरह इसका मुंडन पड़ाई था इन लोगों। क्या इस गैंग में यही 3 लोग हैं आप बाकी इसमें अभी जानकारी कर रहे हैं, मतलब विस्तार जानकारी की जा रही है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।